मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। छतरपुर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रही है। दिल्ली और पंजाब में सफलता के बाद आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी एक नया करिश्मा करने का सपना देख रही है। आप नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान छतरपुर पहुंचे। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के नौगांव में रोड शो करते हुए भगवंत मान ने जनता से आशीर्वाद मांगा। रोड शो में भगवंत मान के साथ बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता पिछले 18 सालों से भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रही है। भाजपा लोकतंत्र की हत्या करती है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को लेकर सराहनीय काम किया है और वो ही काम हम मध्य प्रदेश में भी करेंगे। आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, सीधे सरकार में आती है। इलेक्शन आ रहा है, मध्य प्रदेश की जनता जो है वो पिछले 18 साल से पिस रही है, भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रही है। और मध्य प्रदेश को भगवान ने बहुत कुछ दिया, पहाड़ दिए, नदियां दी, जंगल दिया, लेकिन इस प्रदेश का जो जितना इस प्रदेश के साथ हुआ वो बहुत व्यापक जैसे घोटाले यहाँ पे। और अगर जनता बदल भी दे तो भी दोबारा MLA खरीद के दोबारा फिर सरकार बना लेते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में, दिल्ली और पंजाब में हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली पानी में, रोजगार में, व्यापार में काम कर रहे हैं और वही संदेश में चुनाव किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।